प्रदेश में 25 सीटों पर दो चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब कांग्रेस में हार जीत को लेकर मंथन चल रहा है। दोनों ही चरणों में रिकॉर्ड मतदान से नेताओं के साथ उम्मीदवारों की भी धड़कनें लगातार बढ़ रही है। हालांकि सबसे ज्यादा चिंता पार्टी के आला नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को सता रही है। आलाकमान ने पार्टी को प्रदेश में मिशन 25 का टारगेट दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को यहाँ से खासी उम्मीदें हैं। ऐसे में नेताओं को डर इस बात का है कि सरकार होने के बावजूद उम्मीद के मुताबिक अगर सीटें नहीं मिली तो उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल ना मंडरा जाएं। पार्टी के जानकारों के अगर माने तो 23 मई को अगर परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आया तो टिकट दिलाने की सिफारिश करने वाले नेताओं और मंत्रियों और साथ ही विधायकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को टिकट दिलाने में सिफारिश करने वाले नेताओं को परिणाम अब जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दे दिए और साथ ही मंत्री और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने को भी कहा गया। और साथ ही ये भी बताया गया कि प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस इकाइयों के प्रमुखों, ब्लॉक अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों से मंत्री विधायकों का फीडबैक भी मांगा है।